नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मूर्खों को कैसे पहचानें और मूर्खों से कैसे दूर रहें। साथियों, जिन लोगों ने तिरंगे का सम्मान नहीं किया या जो लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं या जो देशभक्ति का परिचय नहीं देते हैं, वो लोग मूर्ख हैं। साथियों, और मैं आपको गहरा चिंतन बता रहा हूँ, आपका आपको कहीं नेट पर नहीं मिलेगा, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल व्यवहार की बातें आपसे करने जा रहा हूँ। जब आप दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और तीसरा व्यक्ति वहाँ पर बैठा होता है, तो आप दोनों की प्राइवेट और पर्सनल बातों को वह सुनने लगता है, उसमें आनंद लेने लगता है। कहने का भाव, वह मूर्खता का परिचय दे रहा है। यदि आप बात कर रहे हैं, आपके बीच में वह आ जाता है और आपको अपनी सलाह देने लगता है, जबकि आप उससे सलाह नहीं ले रहे हैं, वह भी मूर्खता का परिचय है। साथियों, मूर्ख लोग जो होते हैं, अनायास आपके जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, आपके समय को बर्बाद करते हैं, आपको गलत रास्ते पर दिखाते हैं, आपको बहुत दूर लेकर के चले जाते हैं, बहुत दिव्य दर्शन करते हैं। उनके पास होता कुछ नहीं है साथियों, ना उनके पास ज्ञान है, लेकिन महामंडलेश्वर की बातें करेंगे, ना उनके पास बुद्धि और विवेक है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान लोगों की तरह चतुरता चपलाई की बातें करेंगे। साथियों, अपने काम निकलवाने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे अनेकों प्रकार के, मेरा वो एमपी है, मेरा वो एमएलए है, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ, मैं उसके पास आपको बैठा दूंगा, मैं उसके पास आपकी मुलाकात करा दूंगा, इस प्रकार के जो लोग होते हैं साथियों, आपको बच करके रहना चाहिए। यदि वो इतने ही काबिल होते तो अपना स्वयं भला कर लेते, लेकिन मूर्खता को पहचानना, मूर्खता को जानना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कमजोर होते हैं लेकिन बहुत शक्ति की बातें करते हैं, बहुत गरीब होते हैं लेकिन बहुत अमीर बनने का ड्रामा करते हैं। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि दोबारा से कहना, दोबारा से करना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे लोगों से बच करके रहना। साथियों, जो अपने अंदर कमियां होती हैं उनको दूसरों पर थोपते हैं, अपने जो गलत विचार होते हैं वो समझते हैं कि दूसरे पर भी ऐसा ही होगा, और अपना मतलब निकालने के लिए वो काटने का काम करते हैं। बहुत सारे जो आपके अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे आपके संबंधी होते हैं, अच्छा आपका परिवार होता है, उसी को आपसे विमुख कर देते हैं और अपने काम को प्रायोरिटी न दे करके दूसरे के काम को प्रायोरिटी देते हैं। साथियों, इन चीज़ों के साथ में मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि यदि ऐसे लोग आपके पास में आते हैं, अनायास वो आपके समय को बर्बाद करते हैं, अनायास वो आपकी बुद्धि को भ्रम के जाल में डालते हैं, अनायास वो दिव्य दर्शन कराते हैं, आपको उस दुनिया के अंदर लेकर के चले जाते हैं जिस दुनिया से उनका कोई लेन देन नहीं होता है, और ना ही वो किसी काबिल होते हैं, ना उनमें कोई कैपेसिटी होती है, ना उनकी कोई क्षमता होती है, ना उनकी कोई योग्यता होती है, सिर्फ उनके अंदर चपलता चतुरता ही होती है, और समय की नजाकत को देख करके वो आपका मिसयूज भी करते हैं, आपका फोटो भी मिसयूज करते हैं, आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपकी गाड़ी में चलते हैं, आपको थोड़ा सा सम्मान कराते हैं और थोड़े से सम्मान को दूसरे के काम को भी अपने काम में बदल देते हैं कि ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा मोटिवेटेड है, ये मेरे द्वारा किया गया है। साथियों, ऐसे लोगों से बचना जो कि आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, जो काम आप कर रहे हो वो आपका काम है। इसलिए सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।